और बड़ी खबर बिहार के भागलपुर से आप देख रहे हैं, जहां पर ये बड़ा हादसा हुआ। एक निर्माणाधीन पुल गंगा नदी पर बन रहा था और वो अचानक गिर जाता है भरभराकर। अगवानीघाट सुल्तानगंज के बीच ये हादसा हुआ है। 100 मीटर का करीब यह हिस्सा है। सबसे बड़ी बात, 1700 करोड़ लागत से बन रहा है, पहले भी गिर चुका है। अब ये तस्वीरें आप देखें कि चंद सेकंड में ये पुल किस तरीके से भरभराकर नीचे गिर जाता है। 1700 करोड़ लागत से बन रहा है, लेकिन देखिए तस्वीर कैसी है कि कुछ सेकंड और ये पुल गिर जाता है। न्यूज 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। बिहार के भागलपुर में बन रहा पुल गंगा नदी में गिर गया है। पुल के निर्माण की लागत करीब 1700 करोड़ रुपए है और इससे पहले भी इस पुल का एक हिस्सा गिर चुका था। 2014 में इसकी नींव रखी गई थी और 2016 में निर्माण कार्य शुरू हुआ था। कई बार इस निर्माण कार्य की डेडलाइन को बदला गया क्योंकि लगातार काम में लेट लतीफी नजर आ रही थी। लेकिन अब ये पुल जो कि भरभराते हुए गिरते हुए नजर आ रहा है, ताश की पत्तों की तरह ढेर हुआ है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। ये पुल जो कि एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ता है, वो पुल सीधे तौर पर गंगा नदी में समाता हुआ नजर आ रहा है और बहुत ही भयावह ये तस्वीर इस वक्त जो कि बताता है कि किस तरीके का जो निर्माण कार्य इस पुल को लेकर हो रहा था वो बद से बदतर स्थिति में था और इसी वजह से इसकी नींव इतनी ज्यादा मजबूत नजर नहीं आ रही थी कि ये एक ही झटके में पूरा पुल जो है तितर बितर होता हुआ नजर आया, गंगा नदी में समा गया है। ये तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और तीन तस्वीरों में देखिए किस तरीके से कुछ सेकंड और ये ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है, गंगा नदी में समा जाता है। चंद्रमोहन हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनका रुख लेते हैं। चंद्रमोहन, पहले भी हिस्सा गिरा, फिर से गिर जाता है, कोई सफाई आई है इस पर कि ऐसा क्यों हो रहा है? 1700 करोड़ लागत से बन रहा है, सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट, और ये हालत है? बनकर तैयार होता तो क्या होता? बिल्कुल, देखिए इस घटना के बाद राज्य सरकार की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि इस पूरे मामले की जांच होगी। लेकिन जब यह पुल आज से कुछ साल पहले 2014 में इसका शिलान्यास हुआ था और 2015 में इसका कार्यारंभ हुआ था फरवरी महीने में, और उसके बाद से कुछ ही दिन बाद ये ब्रिज जब बन रहा था उस समय भी गिर गया था, तभी राज्य सरकार की ओर से ये कहा गया था कि इस पूरे मामले की जांच होगी। उसमें क्या कार्रवाई हुई और क्या कार्रवाई होगी अब तक साफ नहीं हो पाया। तब तक आज तकरीबन 6 बजे करीब खगड़िया की ओर से जो भागलपुर को ये जोड़ने वाली गंगा पर ब्रिज बन रही थी, इसमें 4 पाया जो है उसका वो भरभराकर गिर गया। तो ऐसे में सरकार के तरफ से ये कहा जा रहा है कि शासन प्रशासन इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन 2015 के बाद जब इसका निर्माण शुरू हुआ था और उस समय भी जब ब्रिज गिरा था, उस समय सुल्तानगंज की ओर से ये ब्रिज गिरा था, उस समय भी ये कहा गया था कि जांच की जाएगी। वो अब तक ये मामला साफ नहीं हो पाया कि उस जांच में क्या कार्रवाई हुई, और राज्य सरकार की तरफ से ये डेडलाइन भी दिया गया था कि 2020 में इस ब्रिज की शुरुआत हो जाएगी। दरअसल यह ड्रीम प्रोजेक्ट इसलिए माना जाता है कि खगड़िया से भागलपुर को जोड़ने वाली ये जो ब्रिज है, इससे जो कांवरिया सुल्तानगंज से जल उठाकर और फिर बाबा धाम जाते हैं जो जल चढ़ाने के लिए, उनके लिए सबसे सुगम रास्ता ये हो जाएगा। और ये माना जाता है कि इस ब्रिज के बनने के बाद तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर की दूरी भी कम हो जाएगी, ये सोचकर इस ड्रीम प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। और 2014 में इसका टेंडर फाइनल किया गया था, लेकिन 1 साल तक इसका काम शुरू नहीं हो पाया। और 2015 में इसका काम शुरू हुआ और काम शुरू होते के कुछ ही महीने बाद जो 2-3 वहां पर पाया तैयार हुआ था वो गिर गया था इस ब्रिज का। और आपने बताया कि इससे पहले भी इस पुल का हिस्सा गिर चुका था, तब भी जांच की बात सामने आई थी, जांच को लेकर शासन प्रशासन तमाम दावे कर रहा था। तो क्या बिना एक्शन लिए, बिना जांच रिपोर्ट के, क्या एक बार फिर से निर्माण कार्य की इजाजत दे दी गई थी? इसलिए तभी ये फिर से ब्रिज की निर्माण कार्य शुरू हुआ था और ये कहा जा रहा था कि 2020 तक इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। 2023 आ चुका है और अब तक यह ब्रिज कब तक शुरू होगा ये भी अभी तक गवर्नमेंट के तरफ से कुछ साफ नहीं किया गया था। हाँ, इतना जरूर है कि जो बिहार सरकार का ये पुल निर्माण विभाग है, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है, इसके तरफ से ये जरूर कहा जा रहा है कि जल्दी यह पुल शुरू होने वाला था, लेकिन इसका डेडलाइन कब था ये भी अभी राज्य सरकार की ओर से क्लियर नहीं किया जा रहा था। और इसी दौरान यह ब्रिज एक बार फिर से जब शुरू हुआ था उस समय भी गिरा और आज भी एक बार गिरा। उस समय जब ये कार्यारंभ हुआ था उस समय सुल्तानगंज की ओर से ये पाया गिरा था, गंगा पर जो ब्रिज बन रहा था, और अभी जो खगड़िया क्षेत्र है, खगड़िया इलाका है, इस तरफ से जो जोड़ने वाली ब्रिज है इसमें 4 पाया गिर गया है। तो चंद्रमोहन, ये सिर्फ पुल नहीं पानी में गिरा है बल्कि वो बजट भी पानी में चला गया है जो इस पुल को बार बार दिया जा रहा है। लेकिन कैसे ये पुल तैयार हो रहा है कि पानी में गिर जाता है, जरा कल्पना कीजिए कि बनकर तैयार होता, लोग चलते तो क्या हालत होती।